डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जर्मनी आर्किटेक्चर। आज का टॉपिक है, क्या यूक्रेन और रशिया का युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा या इसमें कोई ऐसी स्थिति बनेगी कि ये युद्ध इस डेट को रुक जाए। और मैं आगे ये भी आकलन करूंगी कि रशिया इस युद्ध में जीतेगा या हारेगा, और मैं आपको कुछ डेट्स बताऊंगा जिस दिन ये युद्ध खत्म हो जाए। तो आप मेरी वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, और जिस जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज मेरे चैनल जाके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आज 13 मई 2022 है। तो मैंने आज की डेट की कुंडली बनाई है। तो आज की डेट में आप देखें, मंगल शनि कहाँ बैठे हुए हैं? कुंभ राशि में बैठे हैं। कुंभ राशि क्या होता है? आधा घड़ा पानी का भरा हुआ, सिंपल ये मीनिंग निकल रहा है इसके अंदर। और जब आप देखेंगे, आज से 2 से 2.5 महीने पहले युद्ध शुरू हुआ था, तो मंगल और शनि 10th हाउस में थे, जो कि मैंने कुंडली जो बनाई हुई है काल पुरुष के अकॉर्डिंग बनाई हुई है। तो युद्ध यहाँ से शुरू हुआ। अब इसे मान लेते हैं हम केंद्र। जब मंगल यहाँ पर आया था तो मंगल एग्जॉल्टेड था, उस टाइम उच्च का था, तो उसने डायरेक्ट की पर अटैक किया, मैंने सेंटर को अटैक किया। अब आप देखिए, मंगल आगे चले गया है, युद्ध अभी भी चल रहा है, और मंगल शनि की युति अभी भी यहाँ पर दिख रही है। और आगे क्या क्या होने वाला है तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप देखिए, सूर्य राहु अभी, आज का जो दिन है, आज तारीख है 13, तो माने 14 तारीख को कुछ बड़ी घटना हो सकती है यूक्रेन और रशिया के युद्ध में, जो कि न्यूज में और उनकी सरकार के अंदर काफी फ्लैश होगा। या हो सकता है कुछ बड़ा बम विस्फोट करे रशिया, या कोई बड़ी न्यूज लीक हो, कोई मिसाइल का परीक्षण करे रशिया या यूक्रेन पे मारे, या कोई क्लस्टर बम्स या केमिकल अटैक कर सकता है रशिया कल के दिन में यूक्रेन पे। और आगे हम देखें तो मंगल और शनि की युति हमें बताती क्या है? मंगल और शनि की युति हमें ये बताती है, तो शनि की सबसे पहले दृष्टिया देखिए, क्योंकि मंगल अभी किसके घर में है? सैटर्न के घर में है। शनि के घर में है, शनि अपने घर को सेव कर रहा है इस टाइम। तो शनि की दृष्टिया कहाँ कहाँ पड़ रही है तो मैं उसका विश्लेषण करूंगा कि शनि क्या कर रहा है और मंगल क्या कर रहा है इस टाइम। तो शनि देखें तो आप देखें, एक तो लगन पे दृष्टि मार रहा है, जो कि मंगल की राशि है। 5th हाउस पे दृष्टि मार रहा है, जो कि सूर्य की राशि है। और अगेन मंगल की दूसरी राशि पे दृष्टि मार रहा है, जो कि वृश्चिक राशि है। अब यहाँ पर क्या क्या इंडिकेट होता है? देखो, सूर्य राहु का ग्रहण लगन पे बना हुआ, शनि देख रहा है यहाँ से, तो सरकार, रशिया की सरकार के ऊपर कोई बड़ी विपत्ति आ सकती है, जो कि मीडिया में काफी फ्लैश होगा, क्योंकि राहु मीडिया, इंटरनेट और ये इससे रिलेट करता है। और 5th हाउस को देख रहा है, तो 5th हाउस भी एंटरटेनमेंट का है। तो यहाँ पर यूक्रेन ये कर रहा है कि एक तो उनकी पब्लिक को खराब कर रहा है, पब्लिक के और सरकार के बीच में किसी चीज को लेके अनबन हो सकती है, लाभ को लेके अनबन हो सकती है, कि हमें अभी तक युद्ध में कुछ प्राप्ति क्यों नहीं हुई। और वो ये भी बोल सकते हैं कि, क्योंकि शनि 8वें भाव को भी देख रहा है, तो वो ये भी बोल सकते हैं कि हमारे युद्ध में इतने सैनिक मारे गए और हमें लाभ हुआ क्या एंड में। तो इनकी छवि खराब कर रहा है शनि, रशिया की छवि यूक्रेन खराब कर रहा है मीडिया में, और वो इतना पब्लिश करेगा शनि मीडिया और इनकी जनता के बीच में कोई ऐसी न्यूज फैला देगा जिससे इनको रशिया को हानि हो सकती है अपने देश से ही, माने इनका जो सरकार है उसमें आपस में फूट पड़ सकती है। तो पहला शनि ये काम कर रहा है, मैंने यूक्रेन ये काम कर रहा है अभी यहाँ पर। और गुरु और शुक्र आप देखें तो कहाँ पर बैठे हुए हैं? आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं। अब 12th हाउस में बैठे हैं, बट ये गुरु और शुक्र अभी पापकत्री में है, क्योंकि राहु और शनि आप देखेंगे, और राहु शनि, या माने आप तो दो दो क्रूर ग्रह हो गए, सूर्य राहु मंगल शनि, तो डबल डबल पापकत्री लग रहा है गुरु और शुक्र पे। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है अभी इस टाइम रशिया के लिए युद्ध के अकॉर्डिंग। तो अभी ये युद्ध चलेगा, और आप देखेंगे मोस्ट प्रॉब्ली 20 तारीख तक आप यहाँ पर देखेंगे मंगल अपना ट्रांजिट कर जाएगा, गुरु के साथ चले जाएगा, और सूर्य का ट्रांजिट आपका हो जाएगा। तो आगे की कुंडली मैंने बनाई है, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या होने वाला है आगे। अब ये मैंने बनाया है 5 जून 2022 की कुंडली, जिसमें शनि
कुंभ राशि में बैठा हुआ है 1.9 डिग्री का, इस दिन से शनि वक्री हो जाएगा, माने वापस जा रहा है, ठीक है। बट आप देखें तो अर्ध कुंभ, ये कुंभ राशि होती है आधा खड़ा पानी का भरा हुआ है, इस तरीके से कहते हैं, और ये 2 डिग्री के बाद वापस आया है। दैट्स मीन इसकी कुछ प्रॉपर्टी जो रशिया एक्वायर कर लेगा ऐसा मुझे इंडिकेट हो रहा है, और कोई इनके बीच में संधि हो सकती है इस दिन, जो कि 5 जून 2022 के दिन हो सकती है। बट अभी भी आप देखें तो मंगल और राहु और गुरु और मंगल अभी भी पापकत्री में है रशिया के लिए, ये चीज अच्छी नहीं है इस टाइम। बट रशिया यहाँ मुझे दिख रहा है कुछ जमीन एक्वायर कर रहा है यूक्रेन की, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, और 5 जून 2022 के बाद से शायद युद्ध की स्थिति में खत्म होने की ओर आए, या उस दिन खत्म भी हो सकता है। तो आगे मैंने कुछ और डेट बनाई, क्योंकि शनि का ट्रांजिट जब ये यहाँ पर अपनी मकर राशि में आ जाएगा तब मुझे मोस्ट प्रॉब्ली लग रहा है युद्ध रुक जाए। तो आगे की मैंने एक और बनाई है जो कि 13 से लेकर 14 जुलाई 2022 के बीच में शनि वक्रीय होके मकर राशि में आ जाएगा, और मंगल अब आप यहाँ पर देखेंगे अपनी ही राशि में चले जाएगा, और गुरु देखे तो गुरु पापकत्री से हट गए इस टाइम। यहाँ पर ये इंडिकेट हो रहा है कि रशिया कुछ जमीन यूक्रेन के एक्वायर कर लिए है, और उसका उसके देश में वाले और बढ़ावा भी कर रहे हैं, बट आधी जनता भड़की भी हुई है क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ है, यहाँ से ये इंडिकेट हो रहा है। तो टोटल सार जो निकल के आ रहा है कि 5 जून से लेके 5 जून 2022 से लेके 14 जुलाई 2022 के बीच में ये युद्ध समाप्त हो जाएगा, और रशिया यूक्रेन की कुछ जमीन एक्वायर कर लेगा। रशिया इस वजह से मीडिया में इनकी काफी आलोचना होगी, यहां से मुझे ये दिख रहा है कुंडली के अकॉर्डिंग। आगे एक और घटना घट सकती है जो कि 14 मई 2022 से 20 मई 2022 के बीच में हो सकती है। वो घटना हो सकती है किसी पानी के जहाज या युद्ध पोत का समुद्र में डूब जाना, किसी मिसाइल अटैक में। तो ये घटना मुझे दिख रही है यहाँ से, क्योंकि अगर हम देखें 12th हाउस में शुक्र गुरु और नेपच्यून की युति बनी हुई है, और 12th हाउस होता है सागर का, तो यहाँ पर कुछ बड़ी घटना हो सकती है आने वाले 6 दिनों के अंदर। या तो रशिया अमेरिका के किसी युद्ध पोत को निशाना बनाए, या यूक्रेन किसी रशिया के किसी युद्ध पोत को मिसाइल से मारे। तो ये घटना दिख रही है मुझे आने वाले 6 दिनों के अंदर। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। धन्यवाद।